नाइन्थ क्वेश्चन का जवाब देकर दिखाओ। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आपके सामने आपका खुद का यूट्यूब चैनल लेकर के स्टडी 888। आप अपने चैनल से क्या क्या उम्मीद रखते हैं उसी के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूं। और जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आप कुछ हमारे से है ना इंटरेस्टिंग करंट अफेयर और रीजनिंग तथा जीके के प्रश्न पूछा कीजिए, तो एक वीडियो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप सर्च करके कैसे भी मुझे इस नंबर, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर अपना जवाब भेज सकते हैं या फिर इस यूट्यूब चैनल पर भी आप अपना जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब के साथ प्रश्न का नंबर जरूर लिखें ताकि मैं पता लगा सकूँ कि आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है और कितने प्रश्नों के उत्तर आपके ठीक है। इस वीडियो के आंसर की मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप मैच करके अपने उत्तर का पता लगा सकते हैं। तो कॉम्बो वीडियो है, इससे आपको सीखने को मिलेगा, आपके ही प्रयत्न से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इन प्रश्नों को पूछते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार किससे ने बनवाई। हैदराबाद जो है उसमें चार मीनार है, वो किसने बनवाई ये आपको बताना है कि चार मीनार का निर्माता कौन है। अगला प्रश्न है, भारत में कागज की मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई। कि भारत में कागज की जो मुद्रा है, कागज का जो नोट है, वो सबसे पहले किसने चलाया था, इसका जवाब आपको देना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बाद में कौन सा राज्य बना। भारत में जो है राज्य बने हुए हैं उनमें से सबसे बाद में राज्य कौन सा बना है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन किसने स्थापित किया। सर्वप्रथम भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। और फिर अगला प्रश्न है, भारत है भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है। भीम बेटका की गुफाएं जो हैं वो कहां पर किस राज्य में स्थित है आपको इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बांध कौन सा है। जो डैम है ना बिजली बनाने के लिए काम में आता है, सिंचाई के काम में आता है, उस में से सबसे पहला भारत का डैम कौन सा बना था ये आपको बताना है। और किस समय को भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा गया है वो कौन सा समय था, किस शासन का समय था आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले किसने प्राणों का बलिदान दिया। जो महा जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के शुरू होने से पहले किसने जो है अपने प्राणों का बलिदान दिया था आपको ये बताना है। और फिर आखिरी प्रश्न है आज का, और वो है देखिए एक प्रश्न रीजनिंग का मैंने इस वीडियो में डाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपका दिमाग तेज करने वाला प्रश्न है। आइए देख लेते हैं क्या है वो प्रश्न। रामू ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई रामू है उसने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस फोटो में जो आदमी है वह मेरी बहन के पति के बेटे के दादा, कि उस फोटो में जो आदमी है वह मेरी बहन के पति के बेटे के दादा, बेटे के दादा का छोटा पुत्र है, तो बताओ रामू की बहन का उस आदमी से क्या संबंध है। तो रामू की बहन का संबंध बताना है उस आदमी से क्या है, तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए है पुत्र, रामू की बहन का पुत्र है वो, या फिर नंबर दो ससुर, या फिर उसके बाद है रामू की बहन का पति है, या फिर डी उसकी बहन का देवर है। आपको ये जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके स्टडी 888 पर जो है भेज देना है, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको अपना आंसर भेज देना है, और या फिर आप इन सब के आंसर लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 9315830888।
9315830888 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सएप सुविधा भी इसी पर उपलब्ध है। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट के 3 अक्षर हैं 888, तो स्टडी 888 आपके चैनल का नाम है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए। अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा और आप अपने लाइक कमेंट शेयर रुकने न दें और नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर इस वीडियो को जाने न दें। धन्यवाद। जय हिंद।